दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव वीडियो देने जा रही हूँ। अगर आपके पेट में दर्द है, अपच की समस्या है, पेट में सूजन है, जलन होता है, गैस, एसिडिटी या फिर आप अल्सर से परेशान हो, पेप्टिक अल्सर हो या फिर गैस्ट्रिक अल्सर, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों। इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको पता चल जाए कि इसे कैसे लेना है और इससे क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव एक जड़ी बूटी है जिसे हम कहते हैं नाग केसर। नाग केसर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसको कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पेट की जो बीमारियां होती हैं उन्हें नाग केसर किस तरह से दूर करता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि नाग केसर का यूज़ किसे नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट लेडी अगर हैं तो आपको नाग केसर का यूज़ नहीं करना होता है। यदि आप कोई दवा पहले से ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आप नाग केसर का सेवन नहीं करेंगे। बच्चों को आपको नाग केसर का सेवन नहीं कराना। छोटे बच्चे अगर हैं 5 साल से छोटे तो उन्हें आप उसका सेवन नहीं कराएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई बहुत पुरानी बीमारी है, इसकी आपकी दवा चल रही है पहले से, तो जैसे हमने कहा है ना, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप इस तरह से जड़ी बूटी का यूज़ नहीं करेंगे। अब चलिए मैं बताती हूँ कि ये जड़ी बूटी किस तरह से काम करता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोग, नाग केसर उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। नाग केसर के जो फूल होते हैं दोस्तों, एसिडिटी है, उल्टी की समस्या है, भूख ना लगने की समस्या है, सीने में जलन होता है गैस की वजह से, या पेप्टिक अल्सर है, पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ होता है। डायरिया, लीवर डिसऑर्डर की समस्या हो, डिसेंट्री की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो नाग केसर होता है, इसके जो फूल होते हैं ये देखिए सूख के किस तरह से बन जाते हैं। इसके फूल हैं इसी तरह से, नाग केसर होता है इसका पौधा होता है, इसको सुखा किस तरह से बनाया जाता है। आप ये नाग केसर किसी भी पंसारी की दुकान पर जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी ऑनलाइन आप आसानी से आप मंगवा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी इसे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ नाग केसर का यूज़ कैसे करना है। आपको अगर पेट की बीमारियां हैं, पेट से संबंधित आपको समस्या है, पेप्टिक अल्सर है, या फिर आपको गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो आपको इसका पहले पाउडर बना लेना है। देखिए किस तरह से कूट के बना सकते हैं, या फिर मिक्सी का जार जिसमें मसाला पीसते हैं ना, उसमें आप इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लीजिए। अब देखिए आपको देखना कैसे कितना आपको इसकी मात्रा में लेना है, किस मात्रा में आप इसको लें कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि जो नाग केसर होता है दोस्तों, इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, तो इसको लेने का जो तरीका होता है इस वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि किस तरह से लें जिससे आपको उसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नाग केसर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस इसकी जो मात्रा बताई जाएगी उस अनुपात में आप लेंगे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नाग केसर जो है इसका आपको लेना है आधा चम्मच पाउडर। तो यहाँ पे देखिए जो आप पीस लेंगे तो आधा चम्मच पाउडर एक टाइम पे लेंगे। इसे आप 2 बार लीजिए, अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप इसे 2 बार लीजिए। एक बार सुबह लीजिए जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसके आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद लीजिए। इसी तरह से रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इसका सेवन करेंगे। इसमें आपको डालना है शहद, हनी, मीठे के साथ आपको इसको यूज़ करना है। आप इसमें शहद डालिए, या फिर अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। मक्खन के साथ भी इसको लिया जाता है, कई बीमारियों में अलग अलग तरीके से लिया जाता है, इसको दही के साथ भी लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो पेट से संबंधित बीमारियाँ उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको पेट में दर्द रहता है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या पेट में आपकी सूजन हो गया है, आँतों में आपके अल्सर की समस्या हो गई, तो उसमें कैसे लेंगे। आपको आधा चम्मच लेना है नाग केसर के पाउडर को, उसके साथ 1 चम्मच डालिए शहद। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे डायरेक्ट शहद के साथ खाएंगे आपको टेस्टी भी लगेगा। तो जैसे आप बना लेते हैं ना खांसी जुकाम के लिए, इस तरह से हम बनाते हैं उसको, फिर धीरे धीरे चाट के खाते हैं, आप उसी की तरह से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए शहद के साथ इस पाउडर को, तो ये पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आप फिंगर की हेल्प से आप पूरा जितना बनेगा ना, 1 चम्मच ये बन के पूरा तैयार हो जाता है शहद के साथ, और उसको आप धीरे धीरे करके फिंगर के थ्रू इसको आप धीरे धीरे चाट लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप चाहें तो एक बार में भी चम्मच से आप खा सकते हैं। और इसको खा के आप इसके पीछे थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, हल्का गुनगुना, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल ठंडा रहे, नॉर्मल जो आसानी से पी सकते हैं उतना गुनगुना पानी थोड़ा सा पीजिए। और इसको आप इस तरह से सुबह, जैसे मैंने बताया ना, आप नाश्ते के आधे घंटे के बाद लेंगे, और रात को जब खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद। इस तरह से करने से दोस्तों पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं होने पाएंगे, जो मैंने आपको सब आपको बताया है, गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द होता है, डायरिया जैसी समस्या, उल्टी की समस्या में भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे। ये देखिए किस तरह से मिक्स हो गया, बस ऐसे ही प्रॉपरली आपको मिला देना है, इसी तरह से क्रीम की तरह बन के तैयार हो जाएगा। स्पून में लीजिए और इसे डायरेक्ट भी आप खा सकते हैं, या फिर धीरे धीरे करके आप इसका स्वाद, जैसे हमने बताया ना, इसे हमने टेस्ट किया है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है खाने में, आप खाएँगे आपको बिल्कुल भी और नहीं लगेगा शहद के साथ मिक्स करके।
तो इस तरह से इस बीमारी के लिए यही है। नाग केसर का उपयोग हम दही के साथ भी करते हैं। कई सारी बीमारियों के लिए, महिलाओं की कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है नाग केसर। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नाग केसर के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली भी नहीं मिलता। आप आयुर्वेदिक दुकान पर आप इसे ले सकते हैं, पूरा एक पैकेट आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल सकता है। इसका पाउडर बना बनाया भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे ले लीजिए और इस तरह से आप इसका उपयोग करें। और दोस्तों, अगर आपको आपको ये फ़ायदा लगता है तो इसे आप लगातार कम से कम एक महीने जरूर करें, जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ठीक ना हो जाए। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से ठीक हो गया है, तब आप इसका उपयोग बंद कर दें। और इसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती कि आप इसे लेंगे तो आपको उसकी बिल्कुल आदत पड़ जाएगी, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैसे बताया गया आधा आधा चम्मच अगर आप दिन में दो बार लेते हैं तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और अगर आप कोई दवा कर रहे हैं, आप जैसे पेप्टिक अल्सर अल्सर के पेशेंट है, कोई दवा कर रहे हैं तो दवा भी साथ साथ आप कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई दवा कर रहे हैं तो आपको इस रेमेडी को करने के लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा, तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, जिनके पेट में घाव होते हैं, छाले होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनको शहद और पानी सुबह के टाइम पर जब आप उठते हैं ना, तो एक गिलास पानी लीजिए, नॉर्मल पानी। इस विंटर का सीजन है तो हल्का सा ल्यूकवॉर्म कर लीजिए, उसमें एक चम्मच शहद डालिए और आधी इंची का एलोवेरा का जो जेल होता है उसको निकाल के आप डेली पिया करिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप इस पानी को पियेंगे तो आपके अल्सर की समस्या ठीक हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि ये घाव को हील करने का काम करता है। और जो नाग केसर का पाउडर हमने जो बताया, इस तरह से आप उपयोग करेंगे तो जो छाले होते हैं वो धीरे धीरे रिपेयर होते हैं, और सूजन और दर्द जो होता है उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। तो पेट की जो भी समस्याएँ हैं उसके लिए आप इस तरह से नाग केसर का उपयोग करें। दोस्तों, नाग केसर बहुत ही फायदेमंद है कई सारी बीमारियों के लिए, जैसे हमने बताया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देंगे कि इससे और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, तो आप इस तरह से इसका उपयोग करें। अगर आपको इसको फ़ायदा मिले तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। गैस, एसिडिटी, आजकल का जो अनुचित खान पान हो गया, इसकी वजह से लोगों का पाचन तंत्र बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो आप इस तरह से ये अपने पेट की बीमारियों के लिए आप इसका उपयोग करके इससे फ़ायदे को उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जो आप लाइक देते हैं तो मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको उसी टॉपिक पर और भी वीडियोज़ देते हैं। तो अगर किसी नए टॉपिक पर चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। हमने सर के पेशेंटों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें कई सारी बहुत सारी ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिनको करने से कई सारे लोग ठीक भी हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसे चेक करिए। खाने पीने की कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ भी दिए हैं जो आप अपनी बीमारियों में खा सकते हैं। ऐसे जूसेज होते हैं जिनको पीने से अल्सर के पेशेंटों को बहुत आराम मिलता है, गैस एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।